गुड मॉर्निंग। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। तो आज हम बनाएंगे क्रिसमस में केक, वो भी अपने हाथों से। तो मैंने इसी कप से पूरा मेजरमेंट लिया है, 1 कप दही, 1 कप दूध, 1 कप चीनी और आधा कप लिया है मैंने इथेनॉल। और इन सभी का मिश्रण एक साथ मिला करके घोल बना रही हूँ। और इसमें मैं डालूँगी मैदा, और ये है बेकिंग सोडा, और ये बेकिंग पाउडर जो हमारे किचन में हमेशा पड़ी रहती है। देखिए इस तरह का होता है बेकिंग पाउडर। तो इन सभी को अच्छे से मैं एक छन्नी में छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और अच्छे से इसका घोल तैयार कर लूँगी। तो बस देखिए हमने घोल करना शुरू कर दिया है। और इधर आज मैं बनाऊँगी सब्जी में, ब्रेकफास्ट में, चना का घुघनी। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैं डालूँगी पानी, और इसको उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी क्योंकि मैं जाऊँगी आज वॉशिंग करने के लिए, तो दोनों काम अगर होते रहेगा। तो इसको मैं उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। और इधर डाल देती हूँ नमक, और नमक अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ, और बाद में डालूँगी। ढक करके इसको हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर हमारा जो केक का पैटर्न है बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैं डालूँगी अब लास्ट में वेनीला एसेंस, क्योंकि इससे हमारा जो केक बनेगा ना बहुत ही टेस्टी बनेगा, और सुगंध तो ज़बरदस्त आने वाली है फ्रेंड्स। तो बस इसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 बूंद हम वेनीला एसेंस को डाल देते हैं ताकि एक खुशबू हमेशा मतलब पूरे घर को महका दे इस केक से, क्योंकि आज क्रिसमस है ना, तो हमें बहुत ही अच्छा से बनाना है केक। तो बस देखिए केक का पैटर्न तैयार हो गया है। और हम लिए हैं पेन, और इधर ली हूँ मैं केक टिन, उसमें डालूंगी रिफाइनल, अच्छे से इसको ग्रीस कर लूँगी। और साथ ही हम थोड़ा सा मैदा का पाउडर लेंगे, और मैदा का पाउडर से अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे, और हम डालेंगे केक का घोल दोनों में, क्योंकि घोल हमने कुछ ज़्यादा ही घोल के रखा है। तो दो मतलब बर्तन में हम डालेंगे। इसके लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पर, और पूरे प्री हीट होने के लिए छोड़ दी 10 मिनट पहले। और अब इसको मैं पैन को डाल देते दे रही हूँ, ऊपर से ढक्कन लगा दे रही हूँ, और आँच को भी हम मध्यम कर देंगे, पूरा मतलब मीडियम। और मैं तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ मैं वॉकिंग करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है क्रिसमस, तो आप सभी मेरे सभी परिवार को हैप्पी क्रिसमस। और अभी है सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वॉकिंग के लिए। अभी जो मैंने डिशेस बनाई है उस सभी को मैं रख दी हूँ अभी। और अभी थोड़ा बाहर में ठंड है, तो मैं ले लेती हूँ शॉल। तो चलिए हम लोग चलते हैं वॉकिंग में। और अभी देखिए अभी सुबह सुबह हुई है। अभी जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने ना सुबह सुबह। सब बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं, और रोड अभी पूरा खाली है, ठंड में सब अभी अपने घर में आराम कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, घूम के आते हैं, उसके बाद बनाऊंगी आगे जो जो डिशेस मैं आपको दिखाई हूँ आके दिखाती हूँ। चलिए फास्ट फास्ट एकदम स्पीड वाले चाल से हमें चलना है, ताकि सूर्य महाराज का उदय नहीं हुआ है। जो मौसम है बादल बादल, सूर्य महाराज का भी उदय नहीं। बस देखिए हम जा रहे हैं खड़ेश्वरी दुर्गा पहाड़ी मंदिर में, और ये है इधर का सीन। और देखिए पीपल का पेड़ है बगल में। चलिए जय माता दी। देखिए अब हम चढ़ने ही वाले, और देखिए इधर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे कदमों के बच्चे। यस, तो सभी को हैप्पी क्रिसमस। कितना दिन का छुट्टी मिला है? हम लोग को 10 दिन का मिला, अलग अलग स्कूल में। अलग अलग स्कूल में। चलो देखिए छोटे छोटे बच्चे आए घूमने के लिए। सॉरी बाबा को इधर है। पानी
ना रोज खाली रहता है यहाँ पे सुबह। हमेशा आता है, कल तो नहीं आया था। हर संडे को आता है। चलो आने से अच्छा लगता है ना, गर्मी लगने लगता है, ठंडा भी खत्म हो जाता है। रानी को फोन कीजिए, हो गया होगा। सबको फोन की, इसके बाद सबको उठ गया। नहीं, पहले से प्लानिंग था ना, इसीलिए सबको एक साथ निकल गई ना। रात भर सोया नहीं सब। नहीं, रात भर सोया होगा, 5 बजे उठ गया था। जंगल जंगल बात चली है। अरे बाप रे। फिर से ला जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे चड्डी नहीं पहना है तो फूल पहना है। चलो ठीक है, घर की ओर। कि मैंने जो केक चढ़ाया है ना टाइमिंग दे करके, और मुझे अभी उसको देखना है जल्दी जल्दी घर पहुंच के। 10 मिनट आने में लगा, 10 मिनट जाने में, 20 मिनट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक मेरा केक भी बन के तैयार हो जाएगा। चढ़ने में लगा थोड़ा सा टाइम, और अभी उतरने में बहुत मजा आएगा। इधर से लीजिए ना मेरा, आप जाइए ना। वो फिंगर फिंगर प्ले है कि नहीं, देख लीजिए। चल मैं तो आगे हो जाऊंगी, आज मैं दौड़ा रही हूँ अपने अभी को। वीडियो के चक्कर में बोलेंगे हमको क्या क्या करवाती है। हम लोग अभी थोड़ा बच्चे बन जाते हैं। दुड़ते हुए उतर गए नीचे, बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं सूरज उगा है ना, सूरज महाराज अभी एंट्री नहीं लिए हैं, अब होने वाला है। यहाँ पे ठंडा खत्म हो जाती है, इतना ठंडा लग रही थी, लेकिन यहाँ पे उतरते और चढ़ते ठंडा गायब। देखिए सूरज महाराज का लाली घा दिख रहा होगा, और जूम करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सुबह सुबह है। अभी देखिए सभी क्रिसमस डे मना रहे हैं। चलो 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 चलो, ये देखिए रंग बिरंगे। पैर धो लेती हूँ। वाओ गाइस, अभी बहुत अच्छा है, जला नहीं है, मैं घूम के आ गई अभी। चेक करो तो इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रही हूँ, 400 में कर दी। इसको हम बनाएंगे घुगनी मसाले। और सुबह सुबह घूम के आने के बाद शरीर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और जो ठंड ज्यादा लगती है ठंड गायब। और देखिए अभी मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो बस अब मैं शॉल को रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा लगने लगा है ना, मेरा फेस पूरा पसीना पसीना हो गया है, देख सकते हैं। तो बस सुबह भी उधर हो गई है, मेरा डुगू अभी सो लूँगी। तो बस तैयार करने के बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि कैसा बन। हमने प्याज टमाटर अदरक लहसुन को हमने काम के चक्कर में अभी भी पीने जा रही है।
दिखाई थोड़ा सा। बीच में हो गया है। धो के हम डाले हैं ना, बॉईल करने दिए हैं, बॉईल किया हुआ है चना, समझे? बंद करो, हो गया। एक हो गया है और मैं आटा लगा लेती हूँ पूड़ी के लिए, और उसमें मैंने अजवाइन और मंगरेला को डाल करके अच्छे से मिला करके आटा लगा लूँगी। और बस इधर देखिए हमारा घुघनी बनके तैयार है। बस इसमें अब डालेंगे गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती, और ये हमारा बनके तैयार है ब्रेकफास्ट में जो हम बनाएंगे, बना रहे हैं घुघनी। इधर पूड़ी भी हमने तल लिया है, केक भी बनके रेडी है, तो हमारा आज का नाश्ता बनके तैयार है। एकदम आगे दिन भर का जो दिनचर्या आगे बनती रहेगी उसको बाद नेक्स्ट ब्लॉग में लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए, कंटिन्यू आएगा नेक्स्ट ब्लॉग।